Hi friends, welcome to Go Goa Goan. Friends, आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम मच्छी पका रहे हैं. तो आप सोचेंगे ये कौन सा तरीका है. ये एक बहुत ही प्राचीन तरीका है. जब लोग जंगल में रहते थे तो इसी तरह मांस मच्छी पका के खाते थे. और हमारे गोवा में जो लोग खेतों में काम करने जाते थे वो लोग ऐसे ही मच्छी भून के खाते थे. दोस्तों, ये मच्छी बहुत ही लजीज लगती है और 4-5 दिनों तक तो ये बिना फ्रिज किए हुए भी आप खा सकते हैं. तो सबसे पहले हमने नीचे नारियल के पत्ते सूखे हुए और घास फूस लगाया है. उसके ऊपर हमने बांगड़ा मच्छी पूरा सेट करके लिया है. अभी ऊपर से भी हम घास फूस डाल रहे हैं. अभी हम इसमें आग लगाएंगे. दोस्तों, आज इंडिया और श्रीलंका का T20 क्रिकेट मैच चल रहा है, तो मैं इस काम के साथ साथ क्रिकेट का भी मजा ले रहा हूँ. फ्रेंड्स, सर्दी के दिन चल रहे हैं और काफ़ी ठंड पड़ी हुई है गोवा में, तो हमने यहाँ एक टेंट लगाया है और इस ठंड में ये आग की गर्मी बहुत ही राहत दे रही है. फ्रेंड्स, हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर से घास डालते रहना है. अब आग बुझने के बाद हमें देखना है कि एक साइड से मच्छी पकी है या नहीं. हम अभी चेक करके देखेंगे. मच्छी अभी भी एक साइड से पकी नहीं है, तो अभी हम और घास डाल के थोड़ी देर और पकाएंगे. हमने फिर से आग लगाई थी, तो अभी बुझने के बाद फिर से चेक करते हैं कि इस बार मच्छी पकी हुई है या नहीं. इस बार मच्छी एक तरफ से अच्छी तरफ पक गई है, तो अभी हम उसको उल्टा करके फिर से घास डाल के दूसरी साइड से भी पका लेंगे.
फ्रेंड्स, ये बांगड़ा मच्छी है और ये खाने में बहुत ही लजीज होती है। इसके आप कुछ भी बनाइए, करी बनाइए, फ्राई कीजिए या इस तरह घास में पकाइए। लाइट चालू केला मरे हाँ अट्टा हाँ अट्टा अट्टा रा हाँ अट्टा अट्टा। आज सूर्य कुमार यादव बड़ी अच्छी दिन खेल रहा है, देखने में मजा आ रहा है। अभी फिर से चेक करेंगे कि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पके हैं या नहीं। बिल्कुल बढ़िया पके हैं, तो अभी हम उसको निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पके हैं, एक नंबर। अभी हम इसमें नमक लगाएंगे, तो हमने जो समुद्री नमक आता है बड़ा वाला वो लिया हुआ है, उससे इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। अभी हम इस मच्छी को केले के पत्ते में लपेट के आधा एक घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे, ताकि इसमें नमक अच्छी तरह से लग जाए और जो इसका स्किन है वो अपने आप छूट जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा पार्टी करते हैं और बांगड़े का जायका लेते हैं। नाउ इट्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो फ्रेंड्स, अभी खोल के देखते हैं।
बहुत बढ़िया बने हैं, एक नंबर। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, आप भी जिंदगी इसी तरह एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बाय बाय। मिक्स अगले कराटे।